तो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स का एक फंडा है, अगर आप उसे समझ गए तो आपको अनलिमिटेड सर्वे मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल लोकेशन से रिलेटेड एक तगड़ी सी ट्रिक लेकर के आऊं, जिसे अप्लाई करने के बाद आपका गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस यानी गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स का बैलेंस ₹800 से ₹900 सिर्फ 2 से 4 दिनों के अंदर हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपके सामने मैं सर्वे ला करके दिखाऊंगा और कैसे दोस्तों आपको सर्वे मिलेगा उसकी बहुत तगड़ी फिक हाथ लगी है। मतलब कि आप विश्वास करो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाते हो तो आप अपने गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के अंदर बैलेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हो, यानी बढ़ाने वाले हो। दोस्तों वीडियो का हर एक सेकेंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो डेट आप वीडियो को जरा सा स्किप मत करिएगा। एंड दोस्तों आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख भी सकते हो, मेरे गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस देखो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के थ्रू मैंने किया हुआ है। अब ये वाला जो बैलेंस है अगर आप भी करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको विद लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा जो स्टेप्स फॉलो करेंगे गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के अंदर सर्वे लेने के लिए, उससे आपको फटाफट से सर्वे आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने एक दिन लगाया उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखो आज ये दूसरा दिन है और मैंने जब रिवॉर्ड हिस्ट्री चेक कराता हूं तो आपको देखो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 10th अगस्त है और 9th अगस्त को ही लगाया, 9th अगस्त को ही ₹2 मुझे मिल चुका है। लेकिन एक थोड़ी सी गलती अगर आप करोगे तो आपका, देखो सबसे पहले मैं इसमें रिवॉर्ड्स में दिखा दूँ, अगर एक और चीज मैं बताऊंगा, अगर उसे भी फॉलो कर लेते हो तो वो ₹2 ₹5 में कन्वर्ट हो सकता है, वो ₹5 ₹6 में हो सकता है। और जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप ₹9 तक भी उस बैलेंस को इंक्रीज करके ₹10 तक भी ले जा सकते हो। तो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के लिए बहुत तगड़ी ट्रिक लेकर के आऊं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा क्योंकि इसी वीडियो के थ्रू आपको ओपिनियन रिवॉर्ड्स में अनलिमिटेड सर्वे मिलने जा रहे हैं। जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। सबसे पहली चीज, आज की इस वीडियो का लाइक है मैं 300, आई होप आप सभी लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर देंगे। वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन को आपको ओपन करना है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा, साथ में आपसे को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप देखो दोस्तों आपके लिए क्या जरूरी चीज मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊं, जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करेंगे एंड आप सभी फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे टेलीग्राम चैनल के अंदर आते हो 300 लाइक एम कंप्लीट होते हैं, आपके सभी के लिए गिवअवे इंतजार कर रहा है और गिवअवे में आप पार्टिसिपेट करने के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको गिवअवे का इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आपके पास गूगल पे यानी जीपे में कूपन्स है और कूपन्स को सेल करने के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो चैनल पे अपलोड है, वो जा करके देखो, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर 95% डिस्काउंट चाहिए तो वो भी वीडियो आपके सामने चैनल पे अपलोड है, वो भी जाकर के आप देख सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, पहले तो आपको सर्वे में दिखाता हूं, देन आगे बात करेंगे उस ट्रिक की जो आपको लगाना है और एकदम इंस्टेंट के इंस्टेंट आपको सर्वे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखो अगस्त यहां पर 9 है और 10:26 पे मेरे पास सर्वे आता है और ये ट्रिक मैंने लगभग 10 बजे लगाई और 10:26 पे मेरे को सर्वे आया हुआ है। देखो 9 अगस्त को और 10 मिनट में ही, मतलब 26 मिनट में सर्वे आ गया। तो देखो मैं इस सर्वे को कैसे फिल किया हूं थोड़ा समझाऊंगा। यहां पर क्लिक किया, सर्वे को स्टार्ट करना है, नीचे ओके पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। अब सबसे पहले ओके पे क्लिक करके स्टार्ट करोगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपने किस प्लेसेस को विजिट किया रिसेंटली। देखो ये क्वेश्चन किस बेसिस पे आया है, मैंने किस प्लेसेस को विजिट किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ध्यान में रखिएगा मैं आपको इसी से रिलेटेड ट्रिक देने वाला हूँ कि आप अभी लगाओगे आधे घंटे में आपको हो सकता है या फिर एक दिन में आपको सर्वे मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों आपको मिल रहा है कि आपने कौन कौन से प्लेसेस को विजिट किया है। अब डेफिनेटली मैंने लोकेशन का ट्रिक तो अप्लाई किया था, बट ये नहीं ध्यान दिया था कि कौन से लोकेशन पे मैं ये ट्रिक को लगा रहा था, उसके बीच में कौन कौन से शॉप से मुझे नहीं पता थे और मैंने रेंडमली कोई भी एक शॉप को सिलेक्ट कर लिया था। वो गलती आपको नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है उसके बीच में कौन से शॉप पड़े हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने डायरेक्टली कोई भी एक शॉप सिलेक्ट कर लिया और इसको सबमिट किया। देखो आपको बताऊंगा पूरा लाइव प्रोसेस, मैंने इसको सबमिट किया, जैसे ही सबमिट किया मुझे सिर्फ और सिर्फ ₹2 मिले। अब इस ₹2 को आपको 10 में कर सकते हो, ये टोटल 3 क्वेश्चंस थे, इसमें 3 क्वेश्चन थे देखो, लेकिन मुझे पूछा कितना गया, एक ही क्वेश्चन और उसके बाद खत्म हो गया, लेकिन पूरा 3 क्वेश्चन का आंसर आप दे करके इस ₹2 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हो साथ में। अब दोस्तों वो ₹2 10 में कैसे होगा,
वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने प्रोसेस को समझ लिया, स्टेप्स को समझ लिया। मैं 9 अगस्त को लगाया, 9 अगस्त को मेरे को सर्वे मिल गया। अब दोस्तों आपको लगाना है और बताना है कि आपको कितने दिन में मिला, वो कमेंट भी करना है। अब ट्रिक को समझना स्टार्ट करना, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको सर्वे मिला कि नहीं मिला। तो दोस्तों आपको उसके लिए एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। देखो मैं आपको बताऊंगा जो एप्लीकेशन है कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो देखिए आपके फोन में यहां पर आते हैं, तो आपके पास गूगल मैप्स तो होंगे, ठीक है, सबके फोन में गूगल मैप होता है। और आपका लोकेशन जो होता है वो डायरेक्टली सिलेक्टेड होता है, यानी मैं कानपुर में हूं तो मेरा लोकेशन ऑटोमेटिक कानपुर का दिखाएगा। लेकिन 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 इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन गूगल मैप के हम ऐप से नहीं कर सकते हैं। पहली चीज ध्यान में रखिए, गूगल मैप के ऐप से ये लोकेशन नहीं चेंज होने वाला है, तो इसको तो कट करके हटा दो। और सबसे पहले जो ट्रिक लगाने जा रहा हूं उसके लिए ध्यान में रखना है, आपको यहां पर जाना है, गूगल रिवर्स में जाना है, यहां पर एक सेटिंग का बटन होता है उस पर जाना है और गूगल लोकेशन हिस्ट्री को ऑन करना है। लेकिन आपको सेम ईमेल आईडी से ऑन करना है जो ईमेल आईडी आप यूज करोगे। देखो आपको अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, गूगल लोकेशन हिस्ट्री आप किसकी दे रहे हो। मैंने सिलेक्ट कर ली अपनी ईमेल आईडी, सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना होगा। देखो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपने यहां सेफली कर दिया, सियोर एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। अब मैंने ऑन कर दिया, इस ईमेल आईडी पे ऑन कर दिया। अब उसके बाद एक एप्लीकेशन जो कि आपको मेरे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहां चले जाना है। ये लोकेशन, ये फेक लोकेशन जनरेट करेगा। अब कैसे फेक लोकेशन बनेगा वो देखो, ये एप्लीकेशन है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तभी आपको मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों टेलीग्राम पे फटाफट से पहुंच जाओ। पहले आपको यहां पर यस पे टैप करना होगा। जैसे आप यस पे टैप करोगे तो यहां पर गूगल लोकेशन चेंजर वगैरह यहां पर आएगा, आपको यहां पर बताएगा, ठीक है। तो आपको इसको बैक कर लेना है, मैं अलाउ पे क्लिक कर देता हूं। सबसे पहले अलाउ कर दिया है और यहां पर लोकेशन वगैरह सेट करना पड़ता है। आप कैसे करोगे लोकेशन सेट वो सब कुछ बताऊंगा, पहले आपको वेट कर लेना है। या आप ऑटोमेटिक जो भी चीजें ले रहा है वो ले लेने देना है, ठीक है, ऑटोमेटिक सारी चीजें ले ले। तो चेंज करना है लोकेशन, मान लो मैं लोकेशन न्यू दिल्ली का डालता हूं, ठीक है, न्यू दिल्ली मैंने सर्च किया, ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली यहां पर मैंने लिख करके सर्च कर देना है। अब न्यू दिल्ली जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने न्यू दिल्ली का मैप आएगा, बट एक कंडीशन है, आपको कुछ ना कुछ सेटिंग्स यहां करनी पड़ेंगी। अब कौन कौन सी सेटिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लोकेशन के लिए आपको क्या करना है, डेवलपर मोड को ऑन करना है। अब डेवलपर मोड फोन में कैसे ऑन होता है वो आपको पता होगा। सबसे पहले आपको अपना क्या कस्टम वर्जन पे जाना है, देन अगर नहीं पता है, देखो नहीं पता है डेवलपर मोड कैसे ऑन करना है, यहां से बैक करना, आपको स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहां पर बताएगा यू नीड टू इनेबल मॉक ऑप्शंस और डेवलपर ऑप्शन ऑन द एंड्रॉइड, ठीक है, यस पे टैप करो। और करना क्या होगा, आपके बिल्ड वर्जन पे 7 टाइम्स टैप करना होगा। बिल्ड वर्जन कहां मिलता है वो आपको यहां पर मिलता है, 1 2 3 देखो 4 5 6 एक और यहां पर आ गया। उसके बाद आपका जो फोन का पिन है वो आपको डाल देना है, और फोन का पिन नंबर डालते ही आप डेवलपर मोड को ऑन कर दोगे, ठीक है। फिर बैक करना है, देन वापस से स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन यस पे टैप कर देना है, और फिर आपको एक और ऑप्शन को इनेबल करना होगा, वो आपको नीचे आना होगा लोकेशन वाला। यहां पर आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करके, मतलब कि आपको देख लेना होगा कहां पर लोकेशन का ऑप्शन है, तो मैं आप फटाक से खोज लेता हूं, फिर देन आपको भी डायरेक्टली दिखा देता हूं। तो देखिए आपको करना क्या है, लोकेशन में डिबगिंग या फिर लोकेशन के नाम में आपको दिखेगा, ठीक है, मैं लोकेशन ढूंढ रहा था, मेरे में डिबगिंग में मिला, तो सेलेक्ट मॉक लोकेशन है, अभी कोई नहीं सिलेक्ट था, लेकिन अब हमको सिलेक्ट करना है लोकेशन चेंजर। यहां पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी यहां से अब मेरा लोकेशन चेंज हो सकता है। इससे मैंने कर दिया है चेंज। अब चेंज करने के बाद करना क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, वापस से हमको अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है, मैंने वापस से एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद देखिएगा अब आपके सामने कैसे कैसे हम लोग लोकेशन को चेंज करने वाले, जो भी स्टेप्स बताऊंगा बस उसको फॉलो करना है। आपको यहां पर दिख रहा होगा यस हमने टैप कर दिया है, अब दिल्ली है, यस पे टैप कर दो, नो पे टैप कर दो, ठीक है, नो पे टैप करते अभी फिलहाल के लिए, हमने दिल्ली को सर्च कर दिया, ठीक है। आपने दिल्ली जहां भी आपको लोकेशन डालना है वो आपको सर्च करके यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। वुड यू लाइक टू रिमूव एड्स फॉर, अगर यस और नो जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। देन यहां पर आपको वेट करना है, लोकेशन हमने सिलेक्ट कर लिया, दिल्ली हमारा है लोकेशन, यहां पर हमने दिल्ली लोकेशन को डाल दिया है। अब देखो दिल्ली लोकेशन अब स्टार्ट हो चुका है सिलेक्ट होना, थोड़ा सा आपको वापस से वेट करना होगा। तो हमने अपने लोकेशन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हम लोकेशन में कहां पर है देख लो, न्यू दिल्ली पे। आपने जहां भी स्टार्ट किया होगा वहां आप चले जाओगे, ठीक है, आपका लोकेशन दिखाने लगेगा।
देन यहाँ पर आप मैप को हाइड कर सकते हो और भी चीज़ें कर सकते हो। देखो एक वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें बताने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। पहला इसका बेनिफिट बता देता हूँ, अगर आप खुद से भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। पहले तो हमारा जो GPS का लोकेशन है वो न्यू दिल्ली इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि यहाँ से निकल करके आप किसी दिल्ली के रोड पर ट्रैवल करो, जो शॉप्स वगैरह है उसका लोकेशन आ जाए ऑटोमेटिक, जिससे आपको शॉप से रिलेटेड सर्वे आए, लोकेशन से रिलेटेड नहीं शॉप से रिलेटेड सर्वे आए, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको लोकेशन से ऐड करने पड़ेंगे, इंटरवल आप कहीं दे दो, फिर दिल्ली से आपने मान लो कहीं और का दे दिया, कानपुर दे दिया, मान लीजिए मैंने कानपुर टाइप करके सर्च कर दिया, देन कानपुर भी हम लोग दिल्ली से देखो सीधा कानपुर आ रहे हैं, कहाँ दिल्ली से सीधा कानपुर को ट्रेवल कर रहे हैं। स्टार्ट कर देंगे तो हमारा इंटरवल, अच्छा इंटरवल अगर हम दे दे 5 आवर्स का दे देते हैं इंटरवल, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो रिगार्ड एस पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, साइड में कट करने का भी आपको सेक्शन मिल जाएगा, कट कर देना। अब ये स्टार्ट हो चुका है, 5 घंटे में हम दिल्ली से लखनऊ को ट्रैवल कर रहे होंगे। अब ये लोकेशन हमारा दिल्ली से लखनऊ का रहेगा, तो दिल्ली से लखनऊ तक मेरा लोकेशन चेंज होता रहेगा। पहले मेरा दिल्ली दिखेगा, देन लखनऊ तक मेरा ट्रैवल करता वो पूरा दिखाएगा, दिल्ली लखनऊ होते हुए कानपुर दिखाएगा लोकेशन। तो उसके बीच में जितने भी शॉप्स मिलेंगे वो भी काउंट होंगे, हर चीज काउंट होने वाला है अगर आपने इसको स्टार्ट करना है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कैसे कैसे किस ऑप्शन को स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको उसको क्या करना है, आप देखो मैं कानपुर पहुंच चुका हूं, स्टॉप कर दिया तो कानपुर ऑटोमेटिक आकर के रुक गया, ठीक है। तो लोकेशन को चेंज करना आपको समझा दिया मैंने। अब देखो अगर मान लीजिए आपको इस एप्लीकेशन का काम हो जाए और फिर से आप चाहते हो कि सेम वैसे ही जैसा आपका चलता था वैसे चले, तो यहां पर आकर के वापस से नथिंग मोड पे क्लिक कर देना, तो आपका जो मॉक ऐप आपने सेलेक्ट किया था वो मॉक ऐप आपका हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल आपको फिर उसके बाद आप अपने डेवलपर मोड को जाकर के ऑफ कर दीजिएगा, तो आपका डेवलपर मोड ऑफ हो जाएगा। डेवलपर मोड ऑफ होने के बाद आप फिर से वही जो अपना काम कर रहे थे वापस से काम कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना कि जो लोकेशन वाला एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो उसमें सेम ईमेल आईडी होना चाहिए जो ईमेल आईडी आपने यहां रख रखा है, दोनों ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट ईमेल आईडी है तो लोकेशन काउंट कैसे करेगा, ये गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स आपका उसी ईमेल आईडी पे स्टोर करेगा ना, तो लोकेशन तभी आपको आएगा जब उसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करे रहोगे। तो लोकेशन आएगा, लोकेशन से रिलेटेड देन यहाँ पर सर्वे आ जाएंगे, फिर सर्वे को आप आराम से जो मैंने स्टेप्स बताए उसको फॉलो करना। लेकिन अब ध्यान में रखना है कि आपका सर्वे यहाँ पर फिल करोगे तो 2 रुपीज का 5-10 रुपीज में कैसे कन्वर्जन कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक पार्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट करना, दिल्ली आप दिल्ली साउथ ईस्ट में साउथ में हो, दिल्ली साउथ दिल्ली में हो तो नॉर्थ दिल्ली का लोकेशन सेलेक्ट करो, उसके बीच में आपने देख लेना है कौन कौन से शॉप्स हैं, ठीक है। तो आप जूम करके मैप को, और उसके बाद उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन है या फिर जब क्वेश्चन आता है तो दूसरे फोन में सर्च करके देख लिया कौन कौन से शॉप्स पड़ हैं, देन आपने उसको ट्राई किया तो आपका बहुत अच्छे से मतलब 2 रुपीज का 10 रुपीज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको गूगल प्ले पॉइंट्स पे चाहिए कि जहां पर कि आपको पर्क वगैरह क्लेम करने से बहुत सारे गूगल प्ले पॉइंट्स मिल जाया करे, और दोस्तों आपको कैसे गूगल प्ले पॉइंट्स को बढ़ा सको उस पर वीडियो चाहिए, तो फटाक से ये कमेंट सेक्शन आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, आप कमेंट करो, इस पे भी वीडियो आ जाएगी। और गूगल प्ले पॉइंट से रिलेटेड भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं कौन नए वीडियो में नए मेजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।